तो जब ये चांद वाले जब जिसको भी आप गाने वाले हो बिल्कुल हाँ वेरी गुड ऐसा इन्होंने कहा था <laughs> तो वैन यू प्लानिंग द वीडियो तो बीवी की तरफ से ये नहीं है कि गोइंग टू बी कास्ट एज अ मॉडल अपोजिट हमारा जो वीडियो मोस्टली रहते हैं मेरे अपोजिट नहीं होता कोई आई एम द सिंगर आई एम द नरेटर ये तुम्हार, ये इज इट अ कॉन्शियस चॉइस बाई यू और ये थोपी गई चॉइस है ये ऐसा जरूरी होता है लाइफ में पीस बनाने के लिए और वो सब करना पड़ता है उधर देख के एक बार फिर से बोलना <laughs> <laughs> तो समझ गए होंगे ओके सो दिस इज फॉर पीसफुल लाइफ कि भाई मेरे ऑपोजिट मत करो एक लड़का yes. कास्ट कर दो यस yes. अच्छा चांद बालिया द फर्स्ट सॉन्ग बाय आदित्य दैट बिकेम रियली बिग और बहुत पीछे। अगर एक गुड ओल्ड नाइनटीज होते तो हम ये कहते हैं इट्स इट्स अ सॉन्ग जो कि टॉकिंग बिहेवियर को थोड़ा सा प्रमोट करता है बट वी हैव इवॉल्व एंड वी आर प्रोग्रेसिव तो हम ये नहीं कहेंगे एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया जो अभी मुझे बताया गया uh, कि स्पॉटिफाई में एक साल तक एड्स की जगह पे चांद वाले आता था नहीं, नहीं एक साल तक नहीं थोड़ा सा टाइम अगर मैं बढ़ा रहा था तो कोई बात नहीं <laughs> कम कर देते हैं छः महीने चार महीने तीन महीने बटबड़े हुए बट स्पॉटीफाई सच अग एंड प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म और वहाँ पर वो गाना इतना घिसा इतना घिसा इतना घिसा वॉट वॉज द फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यार एड कीजिए अपना गाना आ रहा है मतलब मुझे अच्छा लग रहा था कि गाना पॉपुलर हो रहा है और मुझे साथ साथ कुछ कुछ लोग गालियाँ भी दे रहे थे कि भाई इतना क्यों तुम बजा रहे हो स्पॉटिफाई पर तो उन्हें समझाना पड़ रहा था कि मैं ये सब डिसाइड नहीं करता हूँ